निमरा, आप संडे वाले दिन घूमने फिरने के लिए आई हैं, घर के काम काज करने चाहिए थे, फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे बंदे खुश नहीं होते। क्या बोला तूने? कि हमारे बंदे खुश नहीं होते। ये आपकी बहन है? फ्रेंड है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कैसे का खाना वो खा जाती हैं, क्या सच है? हाँ, फिर ये हो सकता है वो मेरे हिस्से का खाना छीन के खा जाती है। तो गेम बचाना पड़ता है, खाती बहुत ज्यादा, इसको लगता नहीं। ये जितनी सैलरी देते हैं क्या उसमें खवातीन का मेकअप आ जाता है? नहीं, कुछ नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? निमरा। निमरा, आप संडे वाले दिन घूमने फिरने के लिए आई हैं, घर के काम काज करने चाहिए थे, फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे बंदे खुश नहीं होते। क्या बोला तूने? कि हमारे बंदे खुश नहीं होते, हमारे घर वाले हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? बंदों वाला अभी कोई सीन नहीं है, लेकिन संडे वाले दिन हम लोग वैसे वर्किंग डेज में बिजी होते हैं, हम जॉब वगैरह करते हैं। गुड। तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, तो फिर टाइम संडे का ही होता है, तो उसी में फिर हम प्लान बना लेते हैं फिरने का। अच्छा, वर्किंग लेडीज को क्या मैसेज देंगे कि हमें एक महीने में कितने दिन के लिए आउटिंग के लिए जाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीज होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वॉक तो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हमें अपने जॉब के साथ साथ फिरना भी चाहिए, इंजॉय वगैरह सब कुछ करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अब हम जॉब कर रहे हैं तो हम कुछ करें ही ना, ऐसा हरगिज नहीं है। लड़कियों को इंजॉय करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में, हर चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गजल। गजल, ये आपकी बहन है? फ्रेंड है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कैसे का खाना वो खा जाती हैं, क्या सच है? नहीं, ये झूठ है। तो फिर आपकी सेहत में और उनकी सेहत में बड़ा फर्क है, हालांकि दोस्त बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ ख्याल करते हैं, खाते पीते इकट्ठा है। हाँ, फिर ये हो सकता है वो मेरे हिस्से का खाना छीन के खा जाती है। तो गेम बचाना पड़ता है, खाती बहुत ज्यादा, इसको लगता नहीं। अब आप बताएं कि लगना कैसा चाहिए ना। आप देखें, आपकी और उनकी सेहत में बड़ा कंट्राडिक्शन है। वो बात, आप फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे का बराबर ख्याल करना चाहिए। वो बात ये कि हम बटनी होते हैं और ये मलिक होते हैं। अच्छा अच्छा, बस इतना ही आ जाएगा, तो बटी है। लेकिन बट तो शादी के बाद मोटे होते हैं, उससे पहले वो भी स्लिम स्मार्ट होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसा जरूरी तो नहीं, हमारे तो सारे मोटे हैं। हमारे में सारे मोटे हैं। बट होते ही मोटे हैं। ठीक है जी, एक और बट से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप भी वर्किंग लेडी हैं या? जी, जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? टीचिंग करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप टीचिंग करते हैं। अच्छा, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये पिछले 15-20 साल के, वैसे तो सारा ही बड़ा फरसुदा निज़ाम है, लेकिन पिछले 15-20 साल के अंदर जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते ना माशरे में, किसी छोटे बड़े की, पेरेंट्स की वजह से ये सारी जो मिस्टेक है वो पेरेंट्स की है, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को ये सिखा दिया है कि बस अब आप, हम पे करते हैं तो आप जो मर्जी कर सकते हो। अगर बच्चों को हल्का सा डांट भी दो ना तो पेरेंट्स आगे ऐसे कहते हैं पता नहीं हमने क्या कर दिया। बहुत बड़ा शुक्रिया। अच्छा, ये कितने परसेंट ये डिफरेंस है, मतलब कि पेरेंट्स का कितना इसमें रोल है, सोसाइटी का कितना रोल है परसेंटेज के हिसाब से, और टीचर्स का? 99% पेरेंट्स। जी, सबसे ज्यादा रोल इस चीज में पेरेंट्स है। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि टीचर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। लेकिन 8-10 घंटे तो बच्चे टीचर्स पास गुजार रहे होते हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में यह है कि जब प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम हुआ है ना, ये जितने भी 3-4 बड़े ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने जब टीचर्स की सिलेक्शन की है तो कोई क्राइटेरिया नहीं देखा। दो बंदा BSc करके आ रहा है, MSc करके आ रहा है, उसको उन्होंने फ़ौरन से भर्ती कर लिया, जिस तरह पंजाब पुलिस के अंदर होती है। कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई उसको SOPs नहीं बताया गया, इंस्टीट्यूशन के टीचिंग मेथड नहीं बताए गए कि आपने बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं। ये बड़े बड़े ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनका थ्रू आउट द पंजाब में ब्रांचेज हैं, जो 4-5 बड़े टॉप के कॉलेजेस हैं, उनकी बात बता रहा हूं। ये बात, इसका ये इशू सबसे भरा ये है कि वो अपनी फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि उनको जो ज़्यादा जो एजुकेटेड नहीं होती हैं टीचर्स या स्टूडेंट, जो टीचर्स जो हैं वो उनको ज़्यादा पे नहीं करते, ज़्यादा पे नहीं है। अच्छा। और वो बेचारी टीचर्स फिर कहती हैं चलो घर लेते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट सेक्टर्स में तो बिल्कुल भी पे नहीं है। अच्छा, पे बहुत तो, कम पे तो मैंने लाहौर के बहुत बड़े बड़े, बेसिकली मैं थोड़े, आपको पता है मीडिया में थोड़े रिसर्च करनी पड़ती है, तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं 4-5 बड़े जो कॉलेज हैं ना, इनके छोटे छोटे स्कूल्स भी हैं उनके ही मिलते जुलते नामों से, तो वहाँ पे टीचर की बेसिक सैलरी क्या है, 9,000-12,000। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर जोहर टाउन और इस तरह के बड़े टाउन्स की बात कर रहा हूँ कि 12,000-13,000 जो फ्रेश टीचर आ रही है, हालांकि मजदूर की तनख्वाह जो है वो 30,000। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को? ज़्यादा करनी चाहिए पे, कुछ तो करना चाहिए। एजुकेशन आजकल जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, हम एजुकेटेड हैं, हम लोग को चाहिए कि वो लोग आगे लेके जाएं, अच्छी जॉब्स हम लोग को करें, प्रोवाइड करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा, ये जितनी सैलरी देते हैं क्या उसमें खवातीन का मेकअप आ जाता है? नहीं, कुछ नहीं आता।
कुछ भी नहीं आता, एक कुर्ता आता होगा तो कुर्ता नहीं आता है? नहीं आता, कुर्ता नहीं होता, नहीं, सिर्फ एक कुर्ता ही आता होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो कुर्ता लाजमी तो नहीं है ना, 10-12 हज़ार का लेना है, वो 3-4 हज़ार का भी लेके गुजारा किया जा सकता है। हाँ तो चले, तो इतनी सैलरी है आजकल प्राइवेट टीचर्स की। नाज़रीन, बिस्मा साहिबा ने बड़ा अच्छा हमें बताया कि वो टीचिंग करती हैं लेकिन सैलरी जो है वो कम है और मेकअप नहीं पूरा हो सकता। इसकी महंगाई का भी एक फैक्टर है, डॉलर देखें 250 क्रॉस कर जाता है, और हालांकि अगर डॉलर 1 रुपये का हो तो यही 12-14 हज़ार रुपये में 6 महीने की शॉपिंग इकट्ठी हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं वो अपनी जेबों भरने से उनको फुर्सत मिलेगी तो ही इकॉनमी और मुल्क कौम का सोचेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।